वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। ये हमारा पहला वीडियो है और चैप्टर टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। डेफिनेशन Definition: Partnership is the relation between persons who agree to share the profits of a business carried on by all or any of them, acting for all. यानी partnership is the relation between persons. Partnership क्या है? Persons के बीच में relations है, ठीक है? Agree to share the profit. किस चीज का? Share profit. Profit को share करने का. Of a business carried on by all or any of them for all. यानी जो business हम लोगों ने decide किया, दो लोगों ने, minimum two. उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई बिजनेस करेंगे, उसकी जो प्रॉफिट होगी वो शेयर करेंगे। इस चीज के लिए जो एग्री होते हैं उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। इसमें तीन वर्ड्स हैं, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स द पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। एग्जाम्पल ABC। यानी जैसे एक राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं, दो मिलकर के किसी बिजनेस को अगर करने की बात करते हैं कि ठीक है हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उस वो जो एग्री होते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स, उसको बोलते हैं पार्टनर्स। अब जब दोनों साथ में मिल जाते हैं कलेक्टिवली अ फर्म, मतलब जब ये सब मिलकर कलेक्टिवली हो जाते हैं उसको फर्म बोलते हैं। उसका क्या होता है? फर्म नेम। फर्म नेम का मतलब होता है द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम। यानी दोनों व्यक्ति ने मिलकर के जो फर्म का नाम डिसाइड किया कि हम इस नाम से चलाएंगे फर्म, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। एग्जांपल ABC एंड कंपनी, जैसे कोई ABC एंड कंपनी करके पार्टनरशिप फर्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला, टू और मोर पर्संस, यानी मिनिमम दो व्यक्ति चाहिए, मिनिमम टू पर्संस होना चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है। एंड मैक्सिमम 50%, यानी मैक्सिमम जो है वो 50% होना चाहिए। माइनर एज ए पार्टनर, यानी एक माइनर भी पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है, कुछ कंडीशंस हैं। अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फॉर्म विद इन 6 months। ये नोट करते हैं, यानी एक माइनर पार्टनर जो है उसके पास 6 महीने का टाइम होता है कि जब वो मेजर बन जाता है तो विद इन 6 months का या तो वो एक्सेप्ट कर ले या उसको रिफ्यूज कर ले। अगर वो रिफ्यूज नहीं करता है तो बाई डिफॉल्ट उसको पार्टनर माना जाता है। सेकेंड होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। यानी ये अंडरलाइन कर लें, रिटन और ओरल, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म या तो रिटन हो सकती है या ओरल हो सकती है, ठीक है। बिजनेस, अ पार्टनरशिप इस्टैब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप जो होता है वो बिजनेस के लिए इस्टैब्लिश किया जाता है, यानी एक प्रॉफिट बिजनेस जो होता है उसके लिए होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है इसमें एग्रीमेंट होता है कि पार्टनरशिप के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैसे बांटेंगे, या तो एग्रीमेंट के थ्रू बांटेंगे, अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बांटा जाएगा। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। यानी जो बिजनेस है वो या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा या उसमें से जिसको भी बोलेंगे कि आप बिजनेस चलाएंगे हमारे बिहाफ पे वो बिजनेस चलाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर के क्या अधिकार हैं, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड, कंसल्टेट अबाउट द बिजनेस मैटर, यानी बिजनेस के जो मैटर होते हैं, जो भी कोई डिसीजन लेना होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, कंसल्ट कर सकता है उसको। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। यानी वो जो पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया है वो उसकी जांच कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी मांग सकता है कि मुझे इसकी एक कॉपी दे दो बैलेंस शीट वगैरह की, ठीक है। फोर्थ होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। शेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस को एग्रीड रेशियो में, जो रेशियो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग
प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना, प्रॉफिट हुआ तो वो शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो वो शेयर करेंगे। फिफ्थ आता है एडवांस लोन, रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन केस रेट नॉट एग्रीड विल बी पेड एट 6% बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया है और उस लोन का अगर उसको इंटरेस्ट लेना है तो या तो उस डीड में जो लिखा है पार्टनरशिप डीड में उसके अकॉर्डिंग देंगे, अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि उस पार्टनर को 6% का रेट पे इंटरेस्ट आप उसको देंगे, लोन जो उसने पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है, ठीक है। सिक्स आता है टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के उसमें डिसीजन ले सकता है वो जो उसके हित में हो, बिजनेस के हित में हो, ठीक है। सेवन आता है नॉट टू अलाउ द एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी वो नए पार्टनर को एडमिशन में अलाउ नहीं कर सकता, मना कर सकता है कि भाई इस पार्टनर को नहीं ले सकते हैं, इतना उसको राइट है। लास्ट राइट है आफ्टर गिविंग नोटिस, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मैं अब इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रहना चाहता हूं तो वो प्रॉपर एक नोटिस दे दे और उस नोटिस देने के बाद वो अब पार्टनरशिप फर्म से जा सकता है, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो इस टाइप का होता है, कुछ इस पे लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, यहाँ पे साइन करते हैं पार्टनर, दो विटनेस होता है, ठीक है, और इसमें कंडीशंस लिखे रहते हैं क्या क्या, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, द रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये क्लॉजेस लिखे रहते हैं कि आगे डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व करें, क्या क्या चीजें होंगी, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये बेटर है कि आप रिटन में रखें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या पढ़ते हैं क्लॉजेस, क्लॉजेस ऑन द फॉलोइंग, मतलब इस टाइप के 20 क्लॉज है, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, जैसे उसका नाम, पार्टनर का एड्रेस, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन यानी फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, कहाँ पर फर्म है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब होता है जहाँ वो पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है, ठीक है, पार्टनरों का एड्रेस अलग होगा और बिजनेस जो है उसका एड्रेस अलग होगा, ताकि कोई भी एड्रेस वगैरह, कोई भी चिट्ठी वगैरह कोई भी आए तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस पर आए। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब वो किस प्रकृति का काम करेगी पार्टनरशिप, ठीक है, क्या काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, आप कुछ रेडीमेड गारमेंट्स काम करना चाहते हैं, जो भी। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि वो पार्टनरशिप जो है वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसी तरह कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है, उसमें डेट लिखा रहता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो पार्टनर होते हैं वो किस हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वो आपका फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दो कैपिटल हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि भाई इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किस रेट पर आप इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब पार्टनर अपने फर्म से पैसा ले जाता है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसका पैसा जो हमारे फर्म में है हम उस पर ब्याज देते हैं, तो जब वो पैसा ले जाता है फर्म से तो हम उस पर ब्याज चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर लिख देते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, किस हिसाब से हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में या तो पार्टनर इंटरेस्ट पे लोन देगा या पार्टनर लोन ले जाएगा, या तो फर्म को देगा या फर्म पार्टनर को देगी, तो किस रेट पे होगा। इसमें एक पॉइंट है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% का आप उसको दे देंगे लोन, ठीक है। अब आता है रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन का मतलब होता है कि जो पार्टनर काम कर रहा होता है उसको सैलरी क्या देंगे, कमीशन क्या देंगे,
ठीक है, ये होता है आपका रेमुनेशन ऑफ पार्टनर्स। उसका रहता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब भी कोई पार्टनर आता है तो जब वैल्यूएशन की काम करते हैं तो किस हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन क्या करते हैं। 13 आता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है, पुनर्गठन करते हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम हम एसेट की किस हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे, ये बातें रहती है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है या पार्टनर डिसॉल्व करता है तो बुक्स को कैसे सेटलमेंट करेंगे अकाउंट्स को। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। जनरली सारे अकाउंट्स तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलते हैं, तो सारे बुक्स 31 मार्च को क्लोज आते हैं क्योंकि हमें ITR सबमिट करना होता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, इसके अंदर लिख देते हैं कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, और उसकी ड्यूटीज वगैरह क्या है, क्या क्या राइट, क्या क्या ड्यूटी है वो लिख देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना रहेगा। कभी कभी पार्टनरशिप एट विल चलता है, चलता रहता है, या कभी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए होता है कि ये काम करेंगे उसके पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो वहां पे उतना हो जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म एक अलग हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म का जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसको कौन ऑपरेट करेगा, दो पार्टनर साइन करेंगे, सही पार्टनर साइन करेंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ये बातें लिखी रहती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, फर्म को खत्म कर देंगे या फर्म को आगे लगाएंगे, वो उसमें हम करते हैं। लास्ट आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जब पार्टनरों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किस हिसाब से आप पार्टनरशिप फर्म के डिस्प्यूट को सेटलमेंट करेंगे, ये चीजें हम इसमें लिखते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है, यानी अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। यानी अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। किन किन मैटरों में काम करना है और प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, ये मैटर है और ये प्रोविजन। पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को आप किस प्रकार से शेयर करेंगे। प्रॉफिट लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के द्वारा इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के रूप में वहां पे दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड अलॉटेड टू पार्टनर, यानी अगर आपके पास डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर ने अपने लिए पैसा लेके गया है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो किस रेट से चार्ज करते हैं। अगर आपके डीड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, इससे आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन एडवांस का मतलब है कि कभी कभी पार्टनर फर्म को लोन देता है और कभी कभी फर्म से पार्टनर लोन लेता है, उस केस में क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड अलॉटेड एट 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके बावजूद भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आप उसको 6% का इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि वो पैसा कहीं भी लगा दो उसको तब भी ब्याज मिलता, इसीलिए आप उसको देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस इनकर्स। अगर किसी भी मतलब अगर कोई पार्टनर लोन दे देता है फर्म को तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब अगर आपके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फिर भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा पार्टनर को, ठीक है। रेमुनेशन टू पार्टनर्स, रेमुनेशन टू पार्टनर्स के अंदर आता है सैलरी कमीशन एटसेट्रा इज नॉट पेड अलॉटेड टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो पार्टनर को कोई सैलरी दी जाएगी और ना उसको कोई कमीशन दिया जाएगा। एंड द लास्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू एडमिशन कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक आप किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन
charge against profit and appropriation of profit. It means क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड क्या होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं. तो कौन कौन से खर्चे को आप प्रॉफिट एंड लॉस में बन लेंगे और कौन कौन से खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लेंगे, ये चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं. अब बेसिस क्या है, किस बेसिस पर हम इसको डिफरेंस करेंगे. नेचर, रिकॉर्डिंग, प्रायोरिटी और एग्जाम्पल देते हैं कुछ. नेचर क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और appropriation of profit. Nature, it is an expense hence deducted from revenue to determine net profit or loss for the year. ये जो खर्चे होते हैं वो आप deduct करते हैं revenue में से to determine the net profit or loss of the year. आप actual profit में जानने के लिए आप इस खर्चे को profit loss में से debit कर देते हैं. Recording, it is debited to profit and loss account. ये profit and loss account में debit करते हैं जो भी खर्चे होते हैं ये step. इसकी प्रायोरिटी क्या है, इट इज अलॉटेड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. जब आप अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं उससे पहले इसको खर्चे को डेबिट करते हैं. एग्जांपल लेते हैं कुछ. रेंट पेड टू पार्टनर, जो पार्टनर है उसने अपनी जगह फर्म को रेंट पे दे रखा है, उसको जो आप रेंट पे कर रहे होते हैं वो इसमें से आप डेबिट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है उसके लिए जो इंटरेस्ट उसको देते हैं वो आप इसमें करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में. कुल मिला के ये सारे वो खर्चे हैं जो पार्टनरशिप फर्म के खर्चे हैं, ठीक है. दूसरा आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अब जब ये सारे खर्चे हो जाएंगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको आप प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको आप देंगे. इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड. जो आपके पार्टनरशिप डीड में हेड दिए गए हैं कि ये खर्चे बांटेंगे वो इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं. इट रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें इसको डेबिट साइड में लिखेंगे. उसके बाद प्रायोरिटी क्या होती है, इट इज अप्रोप्रिएट आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस. ओके, लास्ट इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व. यानी सैलरी टू पार्टनर, जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर होता है और जो काम कर रहा होता है फर्म में उसको जो हम सैलरी देते हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो कैपिटल उसने फर्म में लगाया है उस पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं. एंड द लास्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, मतलब जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कभी कभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो भविष्य में जरूरत पड़ती है तो हम एक रिजर्व में ट्रांसफर करके रखते हैं क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ती है. तो इस टाइप के खर्चे हम यहाँ पे करते हैं. अब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हम दो ये समझेंगे कि हम एक तो करेंगे प्रॉफिट लॉस बनाएंगे फर्म की और दूसरा उसमें से प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे जो बचेगा इसमें से. ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर. मतलब एक पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो उसमें हम क्या करते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू द फर्म ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज इन द Absence of agreement, the Partnership Act 1932 will apply and the lending will get interest at 6% per annum on loan amount. मतलब कि अगर partnership deed नहीं है, partnership deed नहीं है तो उसको Indian Partnership Act 1932 के according 6% का per annum interest मिलेगा loan पे जो उसने firm को दिया है. और अगर उसके पास डीड है तो एग्रीड रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, जो डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है. नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका नेचर क्या होगा, किस टाइप का नेचर होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट मीन्स डेट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट
on loan whether the firm earns profit or incurred loss. यानी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए. क्योंकि अगर वो लोन किसी और को देता तब भी उसको ब्याज मिलता, तो भाई फर्म से क्यों नहीं मिलेगा. ठीक है, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. जब हम फर्म से पार्टनर को लोन की एंट्री दे रहे होंगे, मतलब लोन दे रहे होंगे, तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट. यानी ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये आपका एक्सपेंस है फर्म के लिए. ठीक है, और टू लोन बाय पार्टनर, जिस पार्टनर ने लोन दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपके एक्सपेंस में चला जाएगा और ये चला जाएगा उस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा. अब बुक्स को क्लोज कैसे करेंगे? टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, उसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट. ठीक है, ओके. अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर. मतलब जब फर्म पार्टनर को लोन देगा, पिछले में हमने पढ़ा था अभी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, अब हम पढ़ रहे हैं फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया उसमें क्या हम करेंगे. ए फर्म मे गिव लोन टू पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज चार्ज इफ इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स टू चार्ज इंटरेस्ट. अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर. यानी पिछले में हमने पढ़ा था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, अभी हम पढ़ रहे हैं कि फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया तो उसमें हम क्या करेंगे. ठीक है, अ फर्म मे गिव लोन टू पार्टनर. फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे सकता है. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर इज चार्ज इफ इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स टू चार्ज इंटरेस्ट. अगर पार्टनर कहते हैं कि आप उस पर चार्ज कीजिए, ठीक है, तो आप चार्ज करेंगे. इफ द पार्टनरशिप डील डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर नहीं कहता है डील में तो उसको नहीं चार्ज करेंगे. ठीक है, अगर हम चार्ज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो जनरल एंट्री यार फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, उस केस में करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट. ओके, अब फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, जो वो इंटरेस्ट है उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हम पढ़ते हैं रेंट पेड और पेवर. यानी पार्टनर ने जो फर्म को रेंट दिया हुआ है उसके लिए क्या एंट्री करेंगे. ठीक है, मतलब जो जगह है उसने फर्म को बिजनेस चलाने के लिए दिया है, उस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा. रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये भी जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है रेंट के केस में. ठीक है, अगर रेंट फर्म पे कर रहा है तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज रेंट इज पेबल टू अ पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस. उसका जो अपना प्लेस था उसने फर्म को किराए पे दे दिया कि ठीक है आप यहाँ पर अपना बिजनेस कीजिए. रेंट मे बी पेड आइदर इन कैश और बाय चेक. रेंट जो है वो आप कैश में पे कर सकते हैं या चेक के थ्रू पे कर सकते हैं. अब इसमें हम देखते हैं कि जनरल एंट्री क्या करते हैं रेंट के केसेस में. पहला केस, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक. जब आप रेंट डायरेक्ट कैश या चेक में पे कर देते हैं उस केस में क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. यानी रेंट जो है वो डेबिट कर देंगे और कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ये रेंट आपके एक्सपेंस में चला जाएगा. सेकेंड केस, व्हेन रेंट इज पेबल. जब रेंट ड्यू करते हैं उस केस में रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, ये भी आपका एक्सपेंस में चला जाएगा और ये आपकी लायबिलिटी में चली जाएगी. थर्ड केस, क्लोज जब करते हैं व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रेंट अकाउंट को क्रेडिट करके उसको क्लोज कर देंगे. अब हम पढ़ते हैं मैनेजर कमीशन. मैनेजर कमीशन का मतलब मैनेजर, जैसे फर्म में हम कभी अपने मैनेजर को हायर कर लेते हैं कि मैनेजर वो सारा काम मैनेज कर रहा होता है. अब उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको जो सैलरी देते हैं उसको क्या करते हैं. मैनेजर इज एन एम्प्लॉई ऑफ द फर्म, देयरफॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम एज कमीशन इज पेबल वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस. जो हम मैनेजर को कमीशन दे रहे होते हैं वो हमको देना ही पड़ेगा चाहे फर्म प्रॉफिट करे लॉस.
ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। या अगर मैनेजर को आप सैलरी भी दे रहे होते हैं, मैनेजर सैलरी, वो भी आपको देना ही पड़ेगा, मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी, क्योंकि वो हमारा पार्टनर नहीं है, वो हमारा स्टाफ है एक तरह से। मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसमें हम इसको मैनेजर को यहाँ पे डेबिट करते हैं कमीशन, ठीक है, ओके।